वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हम शो को अब आगे बढ़ाते हैं और बात होने वाली है क्रेडिट स्कोर की, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रेडिट स्कोर के बारे में नहीं जानते हैं। मेरे ख्याल से अक्सर क्रेडिट स्कोर को लोग सिबिल स्कोर के नाम से ज़्यादा समझते हैं, बट सिबिल जैसे कि और भी एजेंसीज़ है, वो भी एक एजेंसी है जो आपकी क्रेडिट स्कोरिंग करती है, रेटिंग करती है। लेकिन ये जो रेटिंग है क्रेडिट स्कोर की, ये कितने इम्पोर्टेंस की है, इसका महत्व क्या है, कैसे लोन से लेकर आपके तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर और बिहेवियर पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर क्रेडिट स्कोर आपका ख़राब है, और अगर ख़राब हो चुका है तो ये ठीक कैसे होता है, विस्तार से बात करते हैं। राधिका बिनानी चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पैसा बाज़ार मेरे साथ जुड़ गई हैं। राधिका, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद ख़ास पेशकश में। क्रेडिट स्कोर पर हम बात करेंगे, जिसको नॉर्मली लोग सिबिल स्कोर के नाम से जानते हैं, और सिबिल की तरह ऐसी 4-5 और संस्थाएँ हैं जो क्रेडिट स्कोर करती है और तमाम बैंकों को ये स्कोर की एक जो लिस्ट है वो देती है, उसके बिना पर आपका स्कोर बनता है। तो स्कोर ठीक कैसे होता है राधिका, इस पर तो मैं आऊंगी ही आऊंगी, लेकिन उससे पहले स्कोर खड़ा कैसे होता है ये बता दीजिए आप। ओके श्योर। खराब होने का 3-4 मेन रीजंस होता है, बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है बाय नॉट पे रीपेइंग लोन्स। आपने लोन लिया कोई भी संस्था से, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और आपने ठीक समय पर पेमेंट नहीं किया। सो द ठीक समय कुड बी इवन 30 डेज। सो आपके ईएमआई हर महीना है, आप एक ईएमआई भी मिस करते हैं तो आपका स्कोर गिरना चालू हो जाएगा। द मोर नंबर ऑफ डेज डिले होता जाता है, उससे और आपका स्कोर गिरता जाएगा। स्कोर टिपिकली 300 to 900 पॉइंट्स रहता है। 900 इज द बेस्ट एंड 300 इज द लीस्ट। सो इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन वंस यू स्टॉप रीपेइंग सम ऑफ योर ईएमआईज। The second reason is lot of inquiries in a short period of time. So आप एक महीना के अंदर 4-5 अलग अलग जगह पे लोन अप्लाई कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का भी अप्लाई कर रहे हैं और पर्सनल लोन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। That also shows you are credit hungry. Credit institutions को लगेगा आपका credit भूख है, इसीलिए वो लोग फिर next time जब आपका report check करेंगे तो आपका loan कम हो जाएगा। फिर other reason which is बहुत जन को नहीं पता होता है, suppose credit यूटिलाइजेशन अगर आपका हाई है फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब आपके 100 रुपीज का लाइन है, क्रेडिट लाइन है, और आप उसको 70 रुपीज या 80 रुपीज या 90 रुपीज तक यूज कर लिए तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को लगेगा आपका बहुत क्रेडिट हंग्रीनेस है, इसीलिए आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। सो क्रेडिट यूटिलाइजेशन शुड बी लो, अप्रोक्सीमेटली थंब रूल 30%, बट इफ इट इज एनीथिंग अबव देन आपके स्कोर कम होने के चांसेस है। एंड द लास्ट रीजन विच इज अ स्मॉल reason but sometimes not in our hands is a credit mix. आपकी secured lending which is home loan अगर ले रहे हैं तो home loan में there is a security which is there. There is an underlying security and you don't have a home loan but you have only personal loan and credit card. Credit mix आपका अगर ठीक नहीं है तब भी आपका credit score relatively कम हो सकता है। ऑलराइट, तो ये बुनियादी बातें हैं मेरे ख्याल से जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इतना ही नहीं, जब भी आप कोई लोन ले रहे हो और उसके बकाए की बात हो तो ज़रूर ही आपको टाइमलाइन जो आपको दी गई है उसके तहत आप ये अदायगी करें। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि बहुत बार लोगों का स्कोर ख़राब होता है, और अगर आप होम लोन जैसी कोई बड़ी राशि का कर्ज लेने जा रहे हो तो ये बात आपके आड़े आ जाती है, और आपको कई बार क्रेडिट कार्ड्स भी नहीं मिलते हैं। और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो मेरे ख्याल से कई बार आपको जो लोन आप लेना चाहते हैं वहाँ पर आपको बेटर रेट भी प्रेफर किया जाता है, ओनली बिकॉज आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी रेटिंग जो है वो अच्छी है। तो कुछ फ़ायदे भी हैं अच्छे क्रेडिट स्कोर के, लेकिन अब जब आपका स्कोर ख़राब हो ही चुका है तो इसको अब ठीक कैसे किया जाए। जो भी आपने रीजंस बताए हैं राधिका जिसके तहत आपका स्कोर ख़राब होता है, तो क्या उसे ठीक करने के अलग अलग रीजंस होते हैं? मान लीजिए आपने कोई पेमेंट अपनी मिस कर दी हो किसी लोन की, तो उसे ठीक करने की प्रक्रिया अलग होगी। किस तरह से, जिस वजह से आपका स्कोर ख़राब हुआ है उससे जुड़ी कोई रणनीति है, या एक जनरल रणनीति है, एक जनरल स्ट्रैटेजी है आपका स्कोर ठीक करने की, ख़राब जिस भी वजह से हुआ हो? मोस्टली जनरल है, बट मेनी टाइम्स इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, ईच केस इज डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट स्कोर का जब मेरा माइंड में आता है, इट इज लाइक हेल्थ चेकअप। जैसे आपका हेल्थ चेकअप, आपको बिना क्रेडिट स्कोर कम या ज्यादा, यू हैव टू कीप डूइंग रेगुलर हेल्थ चेकअप। लाइक दैट रेगुलर क्रेडिट चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वन ऑफ द अदर थिंग्स विच कैन हैपन इज देयर कुड बी क्लेरिकल एरर्स। किसी और का लोन मेरे अंडर दिख रहा था तो वो भी करेक्ट करने के लिए आपने को रेगुलर चेक
करना पड़ेगा. देर आर मेनी प्लेसेस वेयर यू कैन चेक द स्कोर फॉर फ्री. इट इज क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज के वेबसाइट में भी फ्री चेक कर सकते हैं, या हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म में आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं. वंस यू चेक योर क्रेडिट स्कोर, मेनी ऑफ देम आपको देखना होगा क्या वजह से आपका स्कोर कम हो रहा है. इफ इट इज बिकॉज ऑफ नॉन रीपेमेंट, सपोज एक पेमेंट मिस हो गया, आप ट्रैवल कर रहे थे, आपका पेमेंट मिस हो गया, या देर वॉज एक्स्ट्रा खर्चा विच यू कुड नॉट पे, यू आर वेटिंग फॉर अ लार्ज bonus, of course that you will make the payment. So whenever it is because of late payment, ensure that you make the payment as soon as possible, assuming money is available. Suppose आपके पास money availability नहीं है, so credit card payments का जो amount है तो आप दूसरा credit card balance transfer कर सकते हैं to make it into a loan at a lower interest rate, because credit card का interest rate होगा 36%. Whereas personal loan ka interest rate is anywhere between 12 to 15%. So convert it into a lower interest rate loan and make the EMI payments as soon as possible. So there is no way out apart from making the payment. So minimum amount due or minimum amount jo payment karna hoga, wo aapko payment ye karna hai. Second, agar there is some error, aapne payment kar diya but the bank has not noted it, wo aapko reach out karna hoga bank ko and then ask the bank to make the correction and hence then update your credit score so that you can get it back. Third thing, aap credit card jab bhi band kar rahe hain, aap aapke oldest card ko band mat kariye, because credit history is very important. Suppose I have my first oldest credit card up to 13 years, whereas my new credit card is 1 year old. If I close my 13 year old credit card, my credit history will show as 1 year, whereas I need to have an old credit history to demonstrate to the financial institutions that I am a good consumer and I am paying my loans or dues on time. So these are the broad strategies that you can use to manage your credit score. क्रेडिट हिस्ट्री बिगड़ भी सकती है, क्योंकि राधिका हम ऐसे समय की बात कर रहे हैं जहाँ पर एक क्लिक पर आप लोन ले सकते हैं, यू नो थिंग्स लाइक बाय नाउ पे लेटर और बाकी तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर जो आपको क्विक लोन मिल जाते हैं, जीरो ईएमआई पर मिल जाते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. और इसीलिए अगर आप उनका लोन पोर्टफोलियो देखें तो एक अलग उनका होम लोन चलता रहता है, उसके अलावा एक पर्सनल लोन लेके रखा होता है और बाकी इस तरह के छोटे मोटे लोन भी चल रहे होते हैं. तो कितने अमाउंट के लोन आपके पास एक्चुअली होने चाहिए? क्रेडिट कार्ड का बकाया उनका अलग पेमेंट चलती रहती है उसकी. सो ओवरऑल ये एक एक थ्रेशोल्ड होता है कि नहीं होता है कि इससे ज़्यादा अगर आपके पास हमें कर्ज दिखाई दे रहा है, लोन दिखाई दे रहा है, तो आपके स्कोर पे इम्पैक्ट पड़ेगा भाई? या सो फॉर एग्जाम्पल इट गोज बैक टू वॉट हम लोगों का पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं ना, दैट यू नीड टू स्टार्ट विथ योर बजट. सो फर्स्ट यू नीड टू नो मेरा दिस इज माई सैलरी एंड दिस मच आई नीड टू सेव and only this much I will use for my expenses. So all of it starts by having a discipline. उसके बाद उसके one sub part of it is credit discipline. So if you don't have financial discipline, that how much you need to always spend lesser than your income, have some savings portfolio, and then you will say okay, मैं vacation ले लेती हूँ, या I'll buy the latest iPhone, or I'll spend on my say golf kit. So all of that is only after you have put aside money for savings. Now we need to ensure that even in financial institutions do not typically give loans for people jinka 60-70% income se 60-70% ke upar already EMI chal raha ho, to aapko loans waise bhi nahi milega. But you are right, a current digital loans proliferation mein, buy now pay later mein, sometimes they might say that first loan dene ke liye it is okay. So you have to have that discipline to ensure that you do not go beyond your earning capacity and how much you a budget that you have in mind. Apart from that, I think many times we don't even know we are getting into a loan. I think that is the current problem that we are facing, because there might be a website where you are clicking converted into EMIs, that there is a loan which is there at the back end, we don't get to know. That is why a regular credit check will get to know that. Uska asar to padta hai, matlab to uska asar to padta hi hai, hai na aapke scoring pe. Okay, to mujhe ye bataiye ki जी, तो ये कितनी कितने स्कोरिंग होती होगी जो ख़राब हो गई है? मार्क्स के तौर पर अगर मान लीजिए आपने कोई ईएमआई मिस कर ली तो आपकी कितने पॉइंट्स चले जाएंगे? क्या ऐसा कोई खाका है, कुछ तैयार है पैरामीटर?
I won't say it is there is no parameter, but there are broadly parameters. But वो अलग अलग है. जैसे आपके पास से 5 क्रेडिट कार्ड्स है, आपने 5 एंड 10 ईयर्स से आप हमेशा टाइम पे पेमेंट करते जा रहे हैं, और मेरे पास एक नया क्रेडिट कार्ड है और मैंने पेमेंट मिस कर दिया. अपने दोनों एंड बोथ ऑफ अस हैव मिस्ड वन पेमेंट, सो द अमाउंट ऑफ पॉइंट्स आपके कम होगा विल बी वेरी लेस कंपेयर टू माइन, बिकॉज आई एम अ न्यू पर्सन. बैंक को पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, बट आपके इतना हिस्ट्री है, सो बैंक को पता है कि यार यू ऑलवेज पेड योर मनी ऑन टाइम. सो इट इज वेरी डिफरेंट, इज वेरी केस टू केस, यूनिक डीएनए प्रिंट फॉर एवरीबडी. सो दैट्स अ क्रेडिट स्कोर इज वेरी डिफरेंट. इट इज नॉट पॉसिबल, बट वी कैन से दैट एटलीस्ट 50 पॉइंट्स विल गो डाउन, एंड 50 पॉइंट्स वापस लाने के लिए और 2-3 महीना लगेगा, बिकॉज द प्रोसेस अपडेट होगा एंड देन दे विल वेट फॉर 2-3 मंथ्स, देन ओनली योर पॉइंट्स विल गो अप. सो इट्स इम्पॉसिबल टू से, बट each of us should know whether it is 50 points down or 80 points down, हाँ, credit score is going हाँ. down. So it is the most important thing rather than तो the हम कह amount. सकते हैं यहाँ पे लगभग 6 महीने से 6 से 8 महीने लग जाते होंगे स्कोर ठीक होने में, क्या इतना समय लगता है? 3 to 4 months. 3 to 4 months. अच्छा, कई बार क्योंकि हमें बहुत सारे दर्शक सवाल भी भेजते हैं, क्योंकि बहुत दर्शक सवाल भी भेजते हैं राधिका, तो उनका ये भी कहना होता है कि अरे हमने तो एक इशू था जो हमने ठीक कर दिया और 1 साल हो गया है, फिर भी बैंक ने हमारा स्कोर ठीक नहीं किया है. ये देरी भी हो जाती है क्या स्कोरिंग को ठीक करने में कई बार? हाँ, मेनी टाइम्स, बिकॉज इट्स अ क्लरिकल प्रोसेस ना, बिकॉज बैंक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को बोलते हैं और वो लोग स्कोर का रिपोर्ट, सॉरी रिपोर्ट, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट बनाते हैं, राइट? सो नाउ अगर मैंने एक पेमेंट मिस कर दिया, आई हैव टू अपडेट द बैंक, देन द बैंक हैज टू अपडेट the credit information companies that Radhika has made the payment. So sometimes they update one credit score company, the other credit score companies are not updated. So all of this together, and you might be seeing the ones which are not updated. So all of it together, it can, on a case-to-case basis, there could be cases where 7, 6, 7 months are made, more than that ho jata hai. But to the consumer's protection, now RBI has introduced a grievance mechanism that within 1 month, solve karna hai. Agar nahi solve kare, every day delay में 100 rupees consumers को payment किया जाएगा. So the RBI has instituted good rules to ensure that consumer grievances are handled well. एक आखिरी सवाल है, उसके बाद हम चर्चा को समाप्त करेंगे, क्योंकि हम क्रेडिट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और ऐसे में आपका जो ऑनलाइन बिहेवियर है उस पर भी नज़र बनाकर रखती हैं क्रेडिट बैंक्स और बाकी तमाम एजेंसीज भी राधिका, क्योंकि आप अगर हर जगह जाकर लोन चेक कर रहे हैं, अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सारी बातें भी ट्रैक होती हैं? क्या इसके तर्ज पर आपके एक फाइनेंशियल या क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होती है जहाँ पर आप किस तरह के क्रेडिटर हैं, ये सब बातें ध्यान में रखी जाती हैं और काउंटिंग की जाती हैं? मान लीजिए अगर आप कोई बड़ा लोन भी ले रहे हो तो. Absolutely. In fact, मैंने आपको बताया था second big reason for credit score decrease impact is inquiries. जो आप inquire करते रहते हैं different different credit cards के या loans के, so banks को लगता है कि आप credit hungry है, तो उसके उस पर बहुत impact पड़ता है आपके score पे. So if you don't need a loan, don't please apply. Only apply when you really need a loan. It is not window shopping जैसे credit shopping नहीं होता है. So it is an important factor to manage your credit score. बहुत ज़रूरी है अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री को बनाकर रखना, और उसमें सबसे बड़ा प्लस आपके लिए होगा अच्छा क्रेडिट स्कोर होना. बहुत बहुत धन्यवाद राधिका, आपने समय निकाला, इस पूरे मुद्दे को समझाया हमारे दर्शकों को. लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपके सवालों के जवाब. जस्ट इन केस अगर आप भी कोई लोन पर सवाल पूछना चाहते हैं, क्रेडिट स्कोर पर सवाल पूछना चाहते हैं, तो उस सवाल को भी हम तक पहुंचा सकते हैं. व्हाट्सएप कीजिए और अपने सवाल सोशल मीडिया पर भी पूछ सकते हैं. लेकिन हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों को लाइव जोड़ेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे. मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया, मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग